हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केतन छरबड़े और आप देख रहे हैं केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपके लिए लाए हूँ फिर से एक नया प्रोडक्ट जिसे आज मैं करूँगा अनबॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो प्रोडक्ट है वो है मिल्टन कंपनी का एक बकेट सेट। और ये बकेट सेट जो है फ्रेंड्स, ये है 6 पीसेस वाला। इसमें आपको 6 पीस और 9 पीसेस दोनों अवेलेबल होता है। तो ये वाला है 6 पीसेस वाला। तो आज के इस वीडियो में आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कीजिए केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले। तो ये है बाथरूम एसेसरीज का पूरा सेट, जिसमें कि आपको टोटल 6 पीसेस मिलते हैं जो कि हमारे बाथरूम में यूज़ होते हैं। और अगर मैं बात करूँ कलर की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला जो है वो है ग्रे कलर का, और जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो है ब्लू कलर का। और साथ ही इसमें आपको जो है डिज़ाइन भी देखने को मिलती है, वो भी सर्कल की इसमें डिज़ाइन दी गई है ग्रे कलर की। तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है लुक वाइज भी। और अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं कि ये जो सेट है ये मुझे मिला 1500 रुपीज़ में, पर ये जो इसकी MRP लिखी है वो है 1780 रुपीज़। तो अगर आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर ये सारा सामान अगर आप अलग से ख़रीदेंगे इंडिविजुअली तो ये आपको महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप इस बकेट सेट को ले देख सकते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा सामान एक साथ मिल रहा है और वो भी कम प्राइस में। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये बॉक्स, और हम देखते हैं कि हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स अब हो चुका है ओपन। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके से हमें पूरा सामान इसमें दिया जाता है, और ये एक के अंदर एक हमें पूरा सामान दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इसमें मिलता है मग, जो कि है मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर का है, जिसके आप देख सकते हैं कि साथ में इसमें हमें डिज़ाइन या फिर टेक्स्चर भी देखने मिलता है। और ये है 1 लीटर कैपेसिटी वाला मग, और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल्टन की ब्रांडिंग भी दी गई है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आइटम को निकालूं, तो जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि ये जो दूसरा इसमें सामान अपने हमें देखने को मिलता है, ये है एक सोप केस जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि हमें सोप केस में मिल जाता है कवर, तो इसको हम ऐसे क्लोज करके भी रख सकते हैं। और सामने ऊपर की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्चर दिया, और मिल्टन का एक स्टिकर भी लगा हुआ है। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये है एक बकेट। और अगर मैं बात करूँ इस बकेट की कैपेसिटी की, तो इसमें लगभग 15 से 20 लीटर तक का पानी आ सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इस बकेट की। और साथ में हमें इसके अंदर ही मिलता है एक राउंड स्टूल, जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये रहा हमारा राउंड स्टूल, और ये भी ब्लू कलर का ही है, पर जो इसका ऊपर का जो पार्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिया गया है ग्रे में, और इसमें टेक्स्चर दिया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा दिखता है ये देखने में, एक छोटी किटी जैसे। और साथ ही हमें इसमें मिलता है एक डीप बकेट, या फिर आप इसको एक टब भी बोल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो ये 20 लीटर तक का कैपेसिटी का है ये टब। और इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन सारे प्रोडक्ट्स की जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इनमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो हार्ड प्लास्टिक है। और अगर मैं बात करूँ इसमें फ्रेंड्स आखिरी सामान जो इसमें निकलता है, तो ये है एक डस्टबिन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डस्टबिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी डस्टबिन है। आप कह सकते हैं कि 10 लीटर तक की या फिर 8 लीटर कैपेसिटी वाली डस्टबिन है। और साथ में ही हमें आखिरी में जो इस बॉक्स में देखने को मिलता है, वो आपको एक छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा रेक्टेंगुलर का। और इसमें जो है अब हमें सामान निकलता है, जैसे कि जो हमारी डस्टबिन मिली है उसका ऊपर का जो कैप है वो मिलता है, और साथ ही हमें दूसरा सामान मिलता है जो कि अब मैं आपको डस्टबिन में लगाकर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ जो हमारा बॉक्स है वो पूरा खाली हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा। तो इसमें हमें जो डस्टबिन मिलती है वो है एक पैडल डस्टबिन, और इसमें हमें अलग अलग इसके जो है पार्ट्स मिलते हैं। तो इसके हमें जो पार्ट्स है वो असेंबल करके लगाना पड़ता है, तो मैं फटाफट इसे कर लेता हूँ असेंबल। तो ये रही हमारी पैडल डस्टबिन, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आया है आप लोगों को पसंद, तो इस वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जो कि केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल, ताकि ऐसे वीडियोस आपको इन फ्यूचर में भी मिल सके।